सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जो मामला सामने आया अब पंजाब पुलिस के रडार पर आया है सोनीपत का मंजीत उर्फ भोला। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी हम कह रहे थे कि क्या सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब का कनेक्शन हरियाणा से जुड़ सकता है। सोनीपत के गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला है मंजीत उर्फ भोला। गढ़ी सिसाना गांव के बदमाश प्रियव्रत का नाम पहले भी सामने आ चुका है। इस पूरे मामले में बदमाश प्रियव्रत का साथी बताया गया है। प्रियव्रत के मोबाइल डिटेल के बाद पंजाब पुलिस के रडार पर आया है एक और नया आरोपी मंजीत उर्फ भोला, इसका नाम है। तो जानकारी खबरें अभी तक आपको दे पा रहा है इस पूरे मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में एक और शख्स का नाम सामने आया, मंजीत उर्फ भोला इसका नाम है। इसकी भूमिका क्या इस हत्याकांड में हो सकती है, बड़ा सवाल है। हमारे साथ नितिन अंतिल इस समय फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितिन, कौन है ये मंजीत उर्फ भोला? क्या पहले भी कोई आपराधिक मामला इसके खिलाफ दर्ज है? बताया जा रहा है कि पहले जब प्रियव्रत का नाम भी सामने आया इस मामले में उसको भी हिरासत में लिया गया, बदमाश प्रियव्रत का साथी मंजीत बताया गया। कौन है ये बताइए जी? जी कमल, मैं आपको बता दूं, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक दो नहीं बल्कि सोनीपत से चार आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें अंकित प्रियव्रत फौजी का पहले ही नाम सामने आ चुका था और लगातार तार अब एक के बाद एक सोनीपत से जुड़ रहे हैं। एक नया नाम इसमें मंजीत जुड़ा है जो सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना का ही रहने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है प्रियव्रत का साथी है। और मैं आपको बता दूं तो जो इस पर बात कर ली जाए तो जो मंजीत है उसने प्रियव्रत के साथ मिलकर जो गांव गोहाना का गांव रुखी है जुलाई 2015 में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और जो मंजीत रूप भोला इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, गांव रुखी में मंजीत रूप चिक्का की हत्या के मामले में प्रियव्रत के साथ गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद पुलिस ने 2017 में एक बार व 2018 में दो बार अवैध हथियारों के मामले में से गिरफ्तार किया था। और जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई अपने गांव में ही था, प्रियव्रत की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो इसकी तरफ तक की सुई घूमी और अब पुलिस के रडार पर यह भी है, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं इसके अलावा एक और जो सदस्य है लोअर किशनोई गैंग से जुड़ा हुआ मोनू रेवली जो सोनीपत के गाँव रेली का रहने वाला है, वो भी अब जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लिया गया है और मौका से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया गया है। मोनू रेवली की बात कर ली जाए तो मोनू रेवली ने 1 दिसंबर 2021 को मोगा के डिप्टी मेयर पर गोली चलाई थी और उसके बाद मोगा जेल में ही बंद था, जबकि आपको बता दूं जो एसपी मोगा ने उस समय जानकारी दी थी कि लॉर्ड्स वैजनोई गैंग का सारा शूटर मोनू कनाडा में रह रहे जो गोल्डी बरार है उसके कहने पर डिप्टी मेयर पर गोली मारी थी। और जबकि आपको पता है कि गोल्डी बरार और लॉर्ड्स वैजनोई गैंग ने जिम्मेवारी ली थी तो उसी के ये सदस्य हैं फिलहाल मंजीत और जो मोनू डेवली को ये मानकर चले हम पूरी तरीके से कि जो मंजीत और भोला है प्रियव्रत है ये सभी के सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो मोनू रेवली है वो गोल्डी ब्राड से और जो दूसरा जो सदस्य है प्रियव्रत वो लॉर्ड किशनोई गैंग से, ये कहीं ना कहीं वहीं से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन तीनों के भी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और सोनीपत पुलिस के एसपी हो या अन्य अधिकारी के एसपी हो वो लगातार मामले से बच रहे हैं, वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ फोन पे इतनी जानकारी दी थी कि जो प्रियव्रत है उस पर 25,000 का इनाम रख दिया गया है, वो भी खरकोटा में जो बिट्टू है उसके पिता गांव बरोना में हत्या की थी गोली मारकर, उस पर भी गोली सोनीपत कोर्ट में चलाई थी क्योंकि वो सोनीपत के ग्रामजन गैंग से जुड़े हुए थे। और उसके बाद जो आप पुलिस है वो लगातार छापेमारी कर रही है, पंजाब पुलिस हो सोनीपत पुलिस हो, लेकिन तीनों आरोपियों में तो किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी कमल, ये सभी फरार है? जी बिल्कुल कमल, ये सभी के सभी फरार है। सोनीपत की तीनों क्राइम ब्रांच की टीमें एसटीएफ और इसके अलावा एसआईटी गठित कर दी गई है लेकिन किसी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जी कमल, कोई और जानकारी इनके बारे में पुलिस खंगाल रही है, क्या इनके जो परिवार हैं वो सोनीपत में ही रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो जानकारी निकल कर आई है क्योंकि जो अंकित थे गाँव शेरसा जाति का रहने वाला है वो गांव में जो उसके माता पिता वो हालांकि कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, प्रियव्रत रूप फौजी है उसकी भी जो जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन पता ये चला है जो सूत्र हमारे ये बताया कि प्रियव्रत पहले पहलवानी का काम कर पहलवान था और पहलवानी करता था और उसके बाद वह लगातार जो है लॉर्ड बिश्नोई गैंग से जुड़ने से पहले रामकन गैंग से जुड़ा था और सोनीपत में एक दूसरी गैंग होती है सोनीपत संदीप बड़वाजनी, दोनों की आपस में यानी ये जाने माने अपराधी हैं जिनकी तलाश पुलिस अब कर रही है। और जैसे ये पकड़ में आते हैं तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद बहुत से सवालों के जवाब इन शातिर अपराधियों से मिल सकते हैं। शुक्रिया नितिन अंतिल, आपने जानकारी दी, तो इस मामले में पुलिस अब पूछताछ करेगी तब
जब ये आरोपी ये अपराधी पकड़ में आएंगे पुलिस के।